आम तो आम गुठलियों के भी दाम। दोस्तों धूप और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और ऐसे में मजेदार आम खाना किसे पसंद नहीं है। बाजार में कच्चे पक्के आम सज चुके हैं, अलग अलग प्रकार के आम मार्केट में आ चुके हैं और लोग जमकर आम खरीद कर खा रहे हैं। वैसे तो आम के कई फायदे हैं, लेकिन आम की गुठलियां भी बहुत काम की हैं। जानिए कैसे आप आम की गुठलियों का इस्तेमाल करके तमाम बीमारियां दूर कर सकते हैं। आम की गुठलियों से बनाए पाउडर कोलेस्ट्रॉल, डायरिया और दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में केपेबल हैं। गर्मियों में आप आम की गुठली का पाउडर पानी में मिलाकर अगर नहाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही लू लगने से भी आप खुद को बचा सकते हैं। इसके पाउडर से बालों में चमक, बालों का पकना बंद होना और डैंड्रफ जैसे प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। आम की गुठलियों में फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम भी होता है, इसलिए ये कई बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो गर्मियों में आम के मजे लो और खुद का भी ख्याल रखो। गाइज एक बार KFC को अपनी एक गलत मार्केटिंग की वजह से करोड़ों रुपयों का चूना लग गया। दरअसल ये बात है साल 2009 की, जब KFC ने अमेरिका की फेमस टॉक शो होस्ट ओपरा विनफ्रे से अपना एक फ्री कूपन प्रमोट करवाया था, जिसे लोग अगले 24 घंटे में ओपरा की साइट से डाउनलोड कर सकते थे और KFC जाकर फ्री में चिकन ले सकते थे। लेकिन यहाँ KFC से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ओपरा विनफ्रे की पॉपुलैरिटी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे हुआ कुछ यूं कि कुछ ही टाइम में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस फ्री कूपन को डाउनलोड कर लिया और अमेरिका के हर KFC के बाहर फ्री चिकन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिसके बाद KFC ने 325 करोड़ के फ्री चिकन बांटे। लेकिन फिर भी लोगों की लाइनें कमी नहीं हुई और कई KFC के चिकन भी खत्म हो गए, जिसके बाद कस्टमर्स ने प्रोटेस्ट किया और कुछ ने तो KFC पर केस भी कर दिया। और फाइनली KFC के प्रेसिडेंट को ओपरा के शो में जाकर इस ऑफर को कैंसिल करते हुए माफी मांगनी पड़ी। गाइस इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आपका इस इवेंट के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।